प्रोजेक्ट में रिसोर्स ओवर एलोकेशन को रिजॉल्व करने के लिए रिसोर्स लेवलिंग की जाती है। रिसोर्स लेवलिंग करने से पहले हम टास्क के प्रायोरिटी लेवल को एडजस्ट करते हैं। प्रायोरिटी टास्क को दिए जाने वाले लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस को इंडिकेट करती है। प्रायोरिटी के लिए प्रोजेक्ट 1 से 1000 तक न्यूमेरिकल वैल्यूज यूज करता है। जिन टास्क की हायर प्रायोरिटी हो उन्हें लोअर प्रायोरिटी के टास्क से पहले स्केड्यूल किया जाता है। अब टास्क पर डबल क्लिक करके हम टास्क इन्फॉर्मेशन डायलॉग बॉक्स को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे हमें प्रायोरिटी में 500 सेट किया हुआ नज़र आ रहा है जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। अगर हम प्रायोरिटी में 1000 सेट कर दें तो इसका मतलब है कि हम प्रोजेक्ट को ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि टास्क को हायर प्रायोरिटी पर सेट किया है, इसलिए प्रोजेक्ट इस टास्क के स्केड्यूल और रिसोर्सेज को अल्टर ना करें। हम ये भी कह सकते हैं कि 1000 प्रायोरिटी सेट करने का मतलब ये है कि इन इंफॉर्मेशन को अल्टर ना किया जाए। अब ओके पर क्लिक करते हैं। अब हम रिसोर्स लेवलिंग को परफॉर्म करेंगे। गैंट चार्ट व्यू में सबसे पहले रिसोर्स टैब पर क्लिक करेंगे। अगर हम प्रोजेक्ट के कुछ टास्क को लेवल करना चाहें तो टास्क को सेलेक्ट करेंगे और फिर लेवल सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे। इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि जो जिन टास्क को हमने सिलेक्ट किया था वो लेवल हो चुके हैं। अगर हमें लेवलिंग के रिजल्ट्स पसंद ना आए तो अंडू पर क्लिक करेंगे या फिर क्लियर लेवलिंग पर क्लिक करेंगे और अब हमने इंटायर प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक कर लिया। हम लेवल और पर क्लिक करके प्रोजेक्ट के तमाम टास्क को लेवल कर सकते हैं। अब लेवलिंग ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने रिसोर्स लेवलिंग डायलॉग बॉक्स आ गया जिसमें रिसोर्स लेवलिंग के बहुत से ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर हम मैनुअल के ऑप्शन को चूज़ करेंगे क्योंकि इस तरह लेवल पे हमारा ज़्यादा कंट्रोल रहेगा। अगर हम ऑटोमेटिक को सिलेक्ट कर लेंगे तो किसी भी रिसोर्स के ओवर एलोकेटेड होते ही लेवलिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि यहाँ मैनुअल को चूज़ किया जाए। लुक फॉर ओवर एलोकेशन ऑन अ बेसिस के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हैं। यहाँ से हमें रिसोर्स की लेवलिंग करने के लिए स्पेसिफिक टाइम फ्रेम को चूज़ करना है। आमतौर पर यहाँ डे बाई डे या वीक बाई वीक को चूज़ किया जाता है। क्लियर लेवलिंग वैल्यूज़ बिफोर लेवलिंग के चेकबॉक्स को हम सिलेक्ट रहने देंगे क्योंकि इसके चेक रहने से लेवलिंग डिलेज क्लियर होंगे। प्रोजेक्ट ने यहाँ ऑटोमेटिकली लेवल इंटायर प्रोजेक्ट को चूज़ किया हुआ है, लेकिन अगर आप डेट रेंज को सेट करना चाहें तो आप लेवल ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। सिलेक्ट या फ्लोट प्रोजेक्ट स्केड्यूल में पाई जाने वाली फ्लेक्सिबिलिटी को कहते हैं। हम लेवल ओनली विद इन अवेलेबल स्लैक को भी सिलेक्ट रहने देंगे क्योंकि अगर इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट ना किया तो प्रोजेक्ट रिसोर्स ओवर एलोकेशन को रिजॉल्व करने के लिए प्रोजेक्ट की फिनिश डेट को एक्सटेंड कर सकता है। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम स्टैंडर्ड को सिलेक्ट रहने देंगे। अब यहाँ हम एक पॉज लेते हैं और नेक्स्ट मूवी में इस लेसन को कंटिन्यू करेंगे।